覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम किंग ऑफ एटलांटिस एक्वामैन एंड प्रिंस ऑफ हेल हेलबॉय की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर बात करें आर्थर गरी यानी एक्वामैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपनी हाइब्रिड फिजियोलॉजी यानी हाफ ह्यूमन एंड हाफ एटलांटियन होने की वजह से एक्वामैन पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एक्वामैन अपनी स्ट्रेंथ से मल्टीपल ट्रेन सोल्जर को आराम से ओवरपावर कर सकता है। इसके अलावा वो मल्टीपल पैराडिमंस एंड अदर एटलांटियंस को भी अपनी स्ट्रेंथ से ओवरपावर करके डिफीट कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसने पानी में एक सबमरीन को पुल यानी लिफ्ट किया है, जिस सबमरीन का वेट 579,000 टन से भी ज्यादा था। इसके बाद एक्वामैन के पास है सुपर ड्यूरेबिलिटी। एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा है कि शार्प ब्लेड्स एंड हाई कैलिबर बुलेट्स भी उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। इसके अलावा पावरफुल एक्सप्लोजन्स जैसे कि ग्रेनेड से भी एक्वामैन रेसिस्टेंट है। इसके अलावा न्यूग और स्टेपेनोल की पावरफुल ब्लोज को भी एक्वामैन विदस्टैंड कर पाया था। एक्वामैन के पास है रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। एक्वामैन मोस्ट ऑफ द अदर एटलांटियंस से भी अपने आप को जल्दी हील कर सकता है। जैसे कि ऑर्म की एक स्टेप से फिशरमैन किंग मर गया था, वही एक्वामैन ऑर्म की स्टेप को भी अपनी हीलिंग फैक्टर की वजह से सर्वाइव कर पाया था। इसके बाद एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। एक्वामैन पानी में स्पीड ऑफ साउंड या फिर इससे भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है, एंड लैंड पर भी वो नॉर्मल ह्यूमन बींग से काफी ज्यादा फास्ट है। एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। पानी में उसने स्टेपेनोल की एक्स को डॉच किया था, एंड लैंड पर भी वो मल्टीपल पैराडिमन से लड़ सकता है। इसके अलावा अपनी रिफ्लेक्सेस की वजह से स्टेपेनोल की कुछ अटैक्स को वो ब्लॉक भी कर पाया था। एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। वो अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट करके अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है, जैसे कि उसने आर्म्स स्टेपेनोल्फ ब्लैक मैंटा एंड मल्टीपल पैराडिमन से लड़ा है। एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस। लैंड पर एक्वामैन की सेंसेस इनहेंस तो है ही, लेकिन पानी में एक्वामैन की सेंसेस और भी ज्यादा इनहेंस्ड हो जाता है। एक्वामैन के पास है इनहेंस्ड विजन। एक्वामैन की आंखें अंधेरे में ऑल अवेलेबल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह से डार्क एनवायरमेंट में भी वो चीजों को काफी क्लियर देख सकता है। एक्वामैन के पास एम्फीबियस एडेप्टेशन की एबिलिटी है। एक्वामैन बोथ लैंड एंड अंडर वाटर में सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद एक्वामैन के पास है एक्वाटिक रेस्पिरेशन। अपनी एम्फीबियस एडेप्टेशन की वजह से एक्वामैन बोथ लैंड एंड अंडर वाटर में ब्रीथिंग कर सकता है। एक्वामैन के पास है मरीन टेलीपैथी। वो अपनी मरीन टेलीपैथिक पावर को यूज करके सी की किसी भी क्रिएचर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, जैसे कि उसने सी मॉन्स्टर कैराथेन के साथ किया था। इसके बाद एक्वामैन के पास है हाइड्रोकिनेसिस की एबिलिटी। वो भी मीरा की तरह वाटर को कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। एक्वामैन के पास है गिफ्टेड इंटेलेक्ट, यानी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद एक्वामैन मल्टीलिंगुअलिज्म भी है, यानी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानता है और बोल भी सकता है। इसके अलावा एक्वामैन मास्टर कॉम्बैटेंट है। वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है, जैसे कि ट्राइडेंट मास्टरी, स्वॉर्ड मास्टरी। इसके अलावा एक्वामैन एक्सपर्ट मार्क्समैन है एंड वो एक्सट्रीमली स्किल्ड स्विमर भी है। तो अभी बात करते हैं एक्वामैन की वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। एक्वामैन ने एटलानस ट्राइडेंट को यूज किया है, जो कि उसकी मदर की थी। इसके अलावा एक्वामैन के पास है ट्राइडेंट ऑफ एटलान। ट्राइडेंट ऑफ एटलान बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्राइडेंट है, जो कि एक्वामैन की पावर्स एंड एबिलिटीज को भी एम्प्लीफाई करता है। इसके बाद एक्वामैन के पास है एटलांस आर्मर। ये आर्मर एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस्ड कर देता है। इन सब चीजों के अलावा एक्वामैन के पास है टू सेट्स ऑफ आर्मी पीपल। इनमें से एक है एटलांटियंस एंड दूसरी है सी क्रिएचर्स, जिसमें मॉन्स्टर केराथेन भी शामिल है। तो ये था एक्वामैन की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी बात करते हैं हेलबॉय की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अपने हाफ डीमन फिजियोलॉजी की वजह से हेलबॉय पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हेलबॉय की स्ट्रेंथ का जो ट्रू पोटेंशियल है वो अभी भी अननोन है, लेकिन वो 25 टन्स ऑफ वेट को तो आराम से लिफ्ट कर ही सकता है। इसके अलावा उसने एक लार्ज ट्री को उखड़ के जायंट की तरफ फेंका था। हेलबॉय के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। हेलबॉय की स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग से काफी ज्यादा फास्ट है। हेलबॉय के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। हेलबॉय की जो बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है वो एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट से भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। हेलबॉय के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। हेलबॉय की रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा इनहेंस्ड है कि वो आराम से मल्टीपल ट्रेन सोल्जर की अटैक्स को भी डॉच कर सकता है। इसके अलावा वो बुलेट्स एंड लेजर्स को भी डॉच कर सकता है, और उसने तो एक बार लाइटनिंग को भी डॉच किया है। हेलबॉय के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वो ऐसे ऐसे वुंड्स को विदस्टैंड कर सकता है जो कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन को आराम से मार दे। इसके अलावा उसने हाई कैलिबर बुलेट्स, एक्सप्लोजन्स, ग्रेट हाइट फॉल डैमेज एंड मल्टीपल स्टैबिंग को भी सर्वाइव किया है। सिर्फ यही नहीं, वो
मॉन्स्टर साइज क्रिएचर्स की ब्लोज को भी विथस्टैंड कर सकता है। हेलबॉय के पास है सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, वो एक्सट्रीम टॉर्चर को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सह सकता है। एक बार डबल बैरल शॉटगन की दो शॉट उसकी फेस पे लगने के बाद भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। हेलबॉय के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट से लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। हेलबॉय के पास है एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर, हेलबॉय की जो हीलिंग फैक्टर है वो कुछ हद तक वुल्वरिन की तरह ही है, वो अपने आप को किसी भी वुंड से इनक्रेडिबल रेट पर हील कर लेता है। हेलबॉय के पास है डिसेलरेटेड एजिंग, हेलबॉय की एजिंग एक्सट्रीमली स्लो है। हेलबॉय की जो हाफ डीमन फिजियोलॉजी है वो हेलबॉय को प्रोवाइड करता है थर्मल रेसिस्टेंस की एबिलिटी, यानी हेलबॉय रेसिस्टेंट है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स एंड फायर से। इसके अलावा कुछ हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी से भी रेसिस्टेंट है। हेलबॉय के पास है राइट हैंड ऑफ डूम जो कि वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल है, और वो अपनी राइट हैंड ऑफ डूम को मिली वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। जो चीज हेलबॉय को बहुत ही ज्यादा डेडली बना देता है वो है हेलबॉय की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब हेलबॉय अपनी फुल डीमन फॉर्म में होता है तब उसके पास और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाता है, जैसे कि साइज शिफ्टिंग। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके हेलबॉय अपनी साइज को भी इंक्रीज कर सकता है। इसके बाद हेलबॉय के पास आ जाता है इलेक्ट्रोकिनेसिस की एबिलिटी, यानी वो अपनी ओपोनेंट को लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकता है। अपनी डिमोनिक फॉर्म में हेलबॉय के पास हेलफायर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी आ जाता है। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो हेलफायर को मैनिपुलेट करके अपनी ओपोनेंट को हेलफायर से अटैक कर सकता है। अपनी डिमोनिक फॉर्म में हेलबॉय के पास फ्लाइट की भी एबिलिटी आ जाता है, यानी हेलबॉय के पास विंग्स आ जाता है जिसकी वजह से वो उड़ भी सकता है। लेकिन हेलबॉय की जो फ्लाइट की एबिलिटी है वो अभी भी अननोन है। इसके अलावा हेलबॉय के पास है अपनी एक्सकैलिबर स्वॉर्ड, और इस स्वॉर्ड के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस स्वॉर्ड से गॉड्स को भी हार्म किया जा सकता है। इन सब के अलावा हेलबॉय अपनी डिमोनिक फॉर्म में हेल की क्रिएचर्स को भी समन कर सकता है अपने ओपोनेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। हेलबॉय एक्सपर्ट है बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में। इसके अलावा हेलबॉय के पास है ऑकल्ट नॉलेज, हेलबॉय के पास मैजिकल रिचुअल्स, यूज ऑफ चार्म्स एंड कर्स, पैरानॉर्मल क्रिएचर्स एंड इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है। हेलबॉय मल्टीलिंगुअलिज्म भी है, अपनी डीमन हेरिटेज की वजह से वो समझता है और बोल सकता है एंशियंट मैजिक एंड डिमोनिक लैंग्वेजेस को। इसके अलावा बात करें हेलबॉय के अदर्स वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, तो हेलबॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स एंड मिली वेपन्स को भी यूज करता है। अगर बात करें हेलबॉय की वीकनेसेस के बारे में, तो अपनी हाफ डीमन नेचर की वजह से वो वल्नरेबल है होली अटैक्स एंड वेपन्स से। इन सब चीजों के अलावा हेलबॉय के पास है इमॉर्टलिटी, हेलबॉय के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक वो खुद ना चाहे। तो ये था हेलबॉय की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। हेलबॉय एंड एक्वामैन दोनों की ही स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। तो इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है इस बैटल में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नॉर्मल वर्जन ऑफ हेलबॉय अगर एक्वामैन से लड़े तो मुझे लगता है एक्वामैन के पास एक एज है, यानी एक्वामैन नॉर्मल वर्जन ऑफ हेलबॉय को नॉकआउट कर सकता है। और अगर एक्वामैन अपनी ट्राइडेंट के बिना नॉर्मल वर्जन ऑफ हेलबॉय के साथ लड़े तो मुझे लगता है दोनों के पास ही एक दूसरे को नॉकआउट करने का चांसेस है। डिपेंड करता है कौन किसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्राइक कर पाए। और यहाँ पर अगर एक्वामैन अपनी ट्राइडेंट ऑफ एटलांट के साथ हेलबॉय की डिमोनिक फॉर्म की अगेंस्ट लड़े तो मुझे लगता है हेलबॉय के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। यानी इस सिचुएशन पे अगर मुझे किसी एक को चूज करनी हो तो मैं हेलबॉय को चुनूंगा। अगर ये दोनों इस बैटल में अपनी आर्मी को इन्वॉल्व करे तब तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। ये बैटल अगर पानी में हुआ तो ऑफकोर्स एक्वामैन के पास ज्यादा एडवांटेज है, वही बैटल अगर लैंड पे हुआ तो हेलबॉय के पास ज्यादा एडवांटेज है। यहाँ पर मैंने इन दोनों की वन ऑन वन बैटल को एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर ये दोनों अपनी अपनी आर्मी के साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा हो सकता है मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है लास्ट सिचुएशन में इन दोनों में से किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।